देखिए गाइस, बात करने वाले आकांक्षी नगर योजना जो मुख्यमंत्री नगरी फेलोशिप कार्यक्रम के द्वारा चलाई जाती है। इसमें देखिए, आवेदन करने से पहले आपको ये जान लेना है, देखिए इसमें जो सैलरी है वो देखिए 40,000 रुपये प्रतिमा रखी गई है। तो देखिए आवेदन कैसे करेंगे, क्या इसका प्रोसेस होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले देखिए, यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। यहाँ पे आ जाना, देखिए यहाँ पे लिखा है मुख्यमंत्री नगरी फेलोशिप कार्यक्रम हेतु मापदंड पात्रता, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। हिंदी में आपको सारा डेटा देखने को मिलेगा। अब देखिए जैसे आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए कुछ यहाँ पे आपको भाग लेते हैं, आप आवेदन करते हैं, तो इसके लिए देखिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन की पढ़ाई देखिए आपको शहरी नियोजन, डिजाइनर, विकास, वास्तुकला, आवास प्रबंधन, इंजीनियरिंग, भूगोल, पर्यावरण, जलवायु, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, ऊर्जा, यानी कि यहाँ पर देखिए कुछ सब्जेक्टों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। अगर आपने इन सब्जेक्टों के थ्रू आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है तो देखिए आप इसके पात्र हैं। अगर आपने अदर सब्जेक्ट से की है तो देखिए आपको इस योजना के लिए अपात्र। देखिए ग्रेजुएशन में आपके पास 60% अंक होना चाहिए, आपको अच्छी खासी हिंदी बोलना आता हो। आयु सीमा देखिए यहाँ पे मैक्सिमम आपको 40 वर्ष रखी गई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात आती है मानदेय की, यानी कि सैलरी की। देखिए यहाँ पे आपको 30,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पे दिए जाएंगे। यहाँ पे लिखा है का भुगतान पारिश्रमिक के रूप में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्थल निरीक्षण हेतु अभ्यर्थी को यहाँ पे 10,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। कुल मिला के यहाँ पे 40,000 रुपये दिए जाते हैं और ये 15,000 रुपये अगर आप टैबलेट अपने खुद रुपये से खरीदते हैं तो देखिए आपको एक मुक्त 15,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आप टैबलेट गवर्नमेंट आपको देती है तो देखिए आपको ये 15,000 रुपये नहीं मिलेंगे। उसके बाद थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करके आना, यहाँ पर देखिए आपको छुट्टियाँ हो जाते हैं तो आपको 1 साल का मौका मिलेगा इसमें काम करने का। यहाँ पर देखिए आपको 1 साल के अंदर सिर्फ 12 ही छुट्टियाँ मिलेंगी। अगर आपको और भी छुट्टियाँ चाहिए होती हैं किसी कारणवश तो आपको जिला अधिकारी से सहमति लेनी होगी, तभी आपको छुट्टी मिलेगी। आपको इंटरव्यू होगा उस कंडीशन में, देखिए यहाँ पर लिखा है 300 से लेकर 500 वर्ड का आपको एक उद्देश्य अपलोड करना है, वर्ड में आपको लिखना है। तो देखिए आपको इसके लिए ऊपर थोड़ा आना है, जैसे स्क्रॉल करके यहाँ पे आते हैं देखिए यहाँ पे आपको वही सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे शहरी नियोजन में आपकी पकड़ मजबूत है तो आप इसके बारे में भी आप शोध यहाँ पे लिख सकते हैं, डिजाइनर के बारे में, विकास, वास्तुकला, आवास प्रबंधन, या फिर इंजीनियरिंग, या फिर भूगोल, देखिए यहाँ पे इतने सारे लिखे हुए हैं, आप किसी पे भी आप अपना शोध लिख सकते हैं। देखिए जो शोध है वो आपका खुद का लिखा होना चाहिए। आप इंटरनेट के माध्यम से चर के डेटा को लिख देते हैं तो बाद में आपको इंटरव्यू के समय दिक्कत आएगी। तो देखिए 500 शब्दों का ये आपको अपलोड करना अनिवार्य है। अगर आप इसे अपलोड नहीं करते हैं तो देखिए आपको फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि ये 100% आपको लगाना ही लगाना है। और देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपके पास 60% अंक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अब बात आती है आपको जो कट ऑफ यानी मेरिट किस तरह से बनेगी। देखिए मेरिट बनने के लिए यहाँ पे साफ लिखा है स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में 60% से 70% के बीच में, तो देखिए यहाँ पे आपको 15 अंक दिए जाते हैं। 10% से ऊपर किया है तो देखिए यहाँ पे आपको 20 अंक मिलते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है केवल तभी दिए जाएंगे जब स्कोर 60% से अधिक होगा। देखिए अगर आपने स्नातकोत्तर यानी पीजी की डिग्री आपके पास है अब वो 60% से ऊपर है तभी आपकी काउंट की जाएगी। अगर 60% नीचे है तो देखिए आपको ग्रेजुएशन की डिटेल काउंट की जाएगी। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे 25 नंबर मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री जैसे NIRF या फिर अंतर्राष्ट्रीय QS रेटिंग में अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे 5 अंक मिल जाते हैं। ऐसी देखिए यहाँ पे सभी के अलग अलग अंक लिखे हुए हैं। अगर आप स्काउट गार्ड से आते हैं, आपने किसी तरह से पुरस्कृत हैं, गोल्ड पर देखिए 5 आपको छूट मिल जाती है, सिल्वर पर 3 की और ब्रॉन्ज पे आपको 3 की। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से कुल मिला के आपको 50 अंक होने होते हैं। तो इस तरह से और 25 अंक देखिए यहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू रिलेटेड किससे होगा देखिए यहाँ पे उसका डिटेल लिखी हुई है और यहाँ पे देखिए कुल मिला के आपको 100 अंक करने होते हैं। जब आप इसके लिए सिलेक्टेड हो जाते हैं उसके बाद आपकी ट्रेनिंग लखनऊ में की जाएगी। उसी बैक पेज पे आपको यहाँ पे होम पेज पे आ जाना है। जैसे ही आप सिलेक्टेड हो जाते हैं देखिए आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको सामान्य निर्देश लिखे हुए हैं, आपको इन्हें भी ज़रूर पढ़ लेना है। ये देखिए किस तरह से फोटो अपलोड करें, किस तरह से आपको PDF अपलोड करनी है, कितना साइज है, वो सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। इस टर्म को आपको एक्सेप्ट कर लेना है और आगे बढ़ने वाली बटन पर टिक। आपको टैबलेट भी दिया जाएगा, साथ साथ में आपको आवास की सुविधा भी दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, जेंडर मेल फीमेल क्या है वो आपको अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, नेशनलिटी क्या इंडियन है आपको यहाँ पे डाल देना है, फादर्स नेम मदर्स नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना। देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन रखी गई है यानी ग्रेजुएट आप होना ही चाहिए। अब ऊपर है ये तो आपको यस करना है, नो करेंगे तो आप इसके लिए इन एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखिए 60% ऊपर वाली ही यहाँ पे लिए जाएंगे। एड्रेस देखिए यहाँ पे आपको हाउस नंबर ऑप्शनल है,
हाउस नंबर आपके पास नहीं है, अगर शहरी एरिया से आते हैं तो हाउस नंबर डालना है, ग्रामीण से आते हैं तो आप यहाँ पे 00 या फिर छोड़ भी सकते हैं। स्ट्रीट लोकेलिटी में आप अपने गांव का नाम भी डाल सकते हैं, लैंडमार्क में अगर कोई पहचान चिन्ह है तो दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सिटी में यहाँ पे अपने शहर का नाम डाल देना है, स्टेट क्या लगता है वो डाल देना है, एरिया का पिन कोड क्या वो डाल देना है। परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस बॉक्स पे आपको टिक कर देना, ऊपर वाला एड्रेस नीचे फिल हो जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है अपना खुद का, अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ देना है। अब यहाँ पर लिखा आइडेंटिटी कार्ड नेम, तो देखिए यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, वोटर आईडी कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, पासपोर्ट भी है, आधार कार्ड भी है। तो देखिए आधार कार्ड सभी के पास होता है, आधार यहाँ पे आपको ना सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे उसका नंबर फिल कर देना है, इस टर्म को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है आर यू फिजिकली, यानी आप विकलांग हैं, विकलांग हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको छोड़ देना है। अगर यस करते हैं तो आपको विकलांग सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक फोटोग्राफ लगाना है, फोटोग्राफ ध्यान रखना है, फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए और आपका जो सिग्नेचर का बैकग्राउंड है वो भी वाइट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ का साइज मैक्सिमम 50 KB 30 KB रखा गया है। अब यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, तो देखिए जैसे ही आप सबमिट कर देंगे वैसे ही यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब देखिए आपको अब लॉगिन करना है, आईडी पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे पहुँच चुका है तो आपको होम वाली बटन पर टिक करनी लॉगिन। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, जो पासवर्ड अभी आपके मोबाइल पे आया वो डाल देना, ये कैप्चा यहाँ डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। अब देखिए जो भी डिटेल आपने भरी थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, अभी करेक्शन करना है कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट वाली बटन है, नहीं तो आपको नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने होंगे। देखिए सबसे पहले आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी होगी, देखिए नेम ऑफ डिग्री, तो देखिए यहाँ पे आपको, देखिए यहाँ पे आपको 10th है तो यहाँ पे कुछ नहीं बनना है। यहाँ पे बोर्ड, आपको बोर्ड का नाम है आपको फिल करना है, जैसे मान लो आपका यूपी बोर्ड है या फिर CBSE बोर्ड है या फिर जो भी बोर्ड है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ईयर कौन से साल में की, डिवीजन क्या था और यहाँ पे आपका कितने नंबर आए, सब्जेक्ट कौन से थे, और यहाँ पे आपको इसका PDF अपलोड कर देना है, 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ से अपलोड कर देना है। वैसे यहाँ पे इंटरव्यू की डिटेल फिल करनी है, पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी, डिवीजन और कितने नंबर आए, कौन कौन सब्जेक्ट हैं, उन्हें भी आपको अपलोड कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन पूछा जाए, ग्रेजुएशन में देखिए आपने किस सब्जेक्ट के, जैसे BA है, BBA या फिर BTech या फिर BCOM जो भी किया है आपको यहाँ पे नाम डाल देना है और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जो भी है। यहाँ पे आपको किस साल में आपने पास किया वो डेट डाल देना है। डिवीजन फर्स्ट आपको फर्स्ट डालनी ही डालनी है, फर्स्ट यहाँ पे डाल देना है। इक्विवेलेंट यानी कि आपके नंबर कितने आए हैं, परसेंट मार्क क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो डाल देना, और यहाँ पे आपको अपनी फाइल है वो अपलोड कर देनी है। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट, देखिए यहाँ पे लगा है, आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड वाली बटन पर जरूर टिक करना है। जैसे आप अपलोड कर देंगे वो फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो आपको डिटेल फिल कर देनी है, अगर आप अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ देना है। 17 नंबर पर यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपने किसी तरह कोई रिसर्च किया है, आपने शोध किया है वो प्रकाशित है तो आपको यहाँ पे टिक करना है, यानी आपके जो शोध यानी रिसर्च का टाइटल क्या था वो आपको यहाँ पे इसका नाम डाल देना है, ऑथर यानी जो लेखक थे उनका नाम क्या था वो आपको फिल कर देना है, आपने जब रिसर्च किया था आपने किस तारीख को ज्वाइनिंग किया था उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, और यहाँ पे आपको यस कर देना है। अब यहाँ पहले लिंक ऑफ पब्लिक रिसर्च वर्क, प्रकाशित है तो किसी वेबसाइट पर प्रकाशित है या फिर आपका कोई ई बुक है या फिर कोई आपका उसका लिंक यहाँ पर लगा देना है, और यहाँ पर आपको उस फाइल को अपलोड कर देना है। यहाँ पर लिखा है देखिए प्रोफेशनली विद MS ऑफिस, देखिए या फिर आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए ओ लेवल का, अगर तो देखिए आपको कंप्यूटर चलाना आता होना चाहिए तभी आप इसके एलिजिबल हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका जो भी वर्क होगा वो कंप्यूटराइज वर्क होगा, सर्टिफिकेट है तो आपको इस पर टिक करना है, आपको छोड़ देना है। अगला ऑप्शन मिलेगा प्रोफेशिएंसी विद GIS एंड स्पेटियल मैपिंग सर्टिफिकेट, अगर है तो इस पर टिक करना है, नहीं तो इसे छोड़ देना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है एनी स्पोर्ट नेशन स्टेट लेवल, यानी आपने किसी तरह कोई आपके पास स्टेट लेवल का या फिर लिया है, चाहे नेशनल हो चाहे स्टेट लेवल को, अगर आपने लिया है तो देखिए यहाँ पे आपको गोल्ड मिला है, सिल्वर मिला है, ब्रॉन्ज मिला है, जो भी मिला है आपको सिलेक्ट करना है, अगर नहीं लिया तो आपको नॉन कर देना है। तो यहाँ पे आपको किसी से कोई फाइल अपलोड नहीं करनी होगी। क्या आपको किसी कोई अन्य उपलब्धि मिली है जब ग्रेजुएशन करते समय यूनिवर्सिटी के द्वारा, अगर मिली है तो आपको सिल्वर मिला है या फिर ब्रॉन्ज मिला है, जैसा भी मिला है अगर मिला है तो यहाँ पे टिक करना है, अन्यथा आपको नो रहने देना है। अब देखिए यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा, हिंदी देखिए आपको लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए और आपको बोलना भी आना चाहिए। इंग्लिश है, देखिए इंग्लिश भी आपको यहाँ पर पढ़ना आना होना चाहिए, लिखना आना होना चाहिए, अगर बोलना नहीं आता है तो आपको इसे छोड़ देना, अगर आप कोई अदर लैंग्वेज जानते हैं तो उस लैंग्वेज का नाम डाल देना है और यहाँ पे अपने हिसाब से टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाली बटन मिल जाएगी, आपको यस नेक्स्ट करना है,
पहले आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आप पूछा जा रहा है कि आप प्रेजेंट टाइम में काम क्या करते हो, यानी इस पर टिक करके डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी। अगर आपके पास ऑक्यूपेशन डिटेल नहीं है, आप कोई काम नहीं करते हैं, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है रिलेटिव वर्क एक्सपीरियंस इन इंटर्नशिप, तो देखिए आपको यहाँ पे यानी आप जिस इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपने इससे रिलेटेड किसी संस्था में ऐसा कोई काम किया है और आपको डिटेल देनी होती है। अगर आपको देना है तो आपको इस बॉक्स पर टिक करें और के डिटेल, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। देखिए जहाँ तक जितनी डिटेल है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ज़रूर दें, क्योंकि अब बात आती है यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी किस पर्पस से आप यहाँ पर देखिए वही आपको यहाँ पर शोध के बारे में जानकारी आ चुकी है। यहाँ पर देखिए 300 से लेकर 500 वर्डों में लिखनी होगी, यानी कि आपके किस सब्जेक्ट्स में आपकी रुचि अच्छी है, किस चीज़ पर आपने शोध किया है, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको लिखनी होगी। मैंने आपको पहले बताया कि इंटरनेट के द्वारा आपको यहाँ पे कोई चीज़ कॉपी नहीं करनी है। अगर आप इंटरनेट के थ्रू कॉपी करके यहाँ पे अपलोड कर देते हैं तो देखिए आपको इंटरव्यू की टाइम आपको निकाल दिया जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो अपने हिसाब से जो भी आपने शोध किया है उसकी डिटेल यहाँ पे 300 से 500 वर्डों में आपको लिख देनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ से इसे स्कॉलरशिप या फिर फेलोशिप आप लेते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको डिटेल देनी होगी। अगर आप ऐसा कुछ नहीं है तो देखिए आपको इसे यहाँ पे अनटिक रहने देना और आपको यहाँ पे इसे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलेगा 26, देखिए एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू विल लाइक टू शेयर, ये ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहते हैं तो 200 वर्डों में डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं, अन्यथा आप इसे अनटिक रहने देना और आप छोड़ देना। अगर आपके पास कोई है एडिशनल डिटेल तो दे सकते हैं, नहीं तो आपको इसे छोड़ देना। यहाँ पे लिखा सिलेक्ट एनी 5 डिस्ट्रिक्ट एज पर प्रेफरेंस, तो देखिए यहाँ पे आपको 5 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी, आप किन किन डिस्ट्रिक्ट में इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना, सेकेंड क्या, यहाँ पर थर्ड क्या, फोर्थ क्या और आपका फिफ्थ क्या। उसके बाद यहाँ पर इस टर्म को एक्सेप्ट करके अब देखिए टिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट कर देना है, बाद में आपको प्रिंट निकाल लेना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर देते हैं वैसे ही आपका यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन की सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी और आपका जो मोबाइल है उस पर भी मैसेज के थ्रू जानकारी आपको मिल चुकी है कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको इसे प्रिंट कर लेना है। तो देखिए प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आपको प्रिंट वाली बटन मिल जाएगी, आपको इस पर टिक करके आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। जैसे ही आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, जब आपकी मेरिट बनती है उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा। जब आप सिलेक्टेड हो जाते हैं उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, वो देखिए लखनऊ की जाएगी। उसके बाद जब ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। वीडियो में जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें।